લક્ષ્મણ ગોલે. મુંબઈની ગુનાખોરીની દુનિયાનું એક એવું પાત્ર જે માત્ર ને માત્ર સત્ય અને અહિંસાના પ્રયોગ કરીને આજે ખુલ્લી હવામાં શ્વાસ લઈ રહ્યું છે. લક્ષ્મણ ગોલે એટલે એક એવું નામ જેની લાઈફ બે ભાગમાં વહેંચાયેલી છે. પહેલો ભાગ એટલે ગુનેગાર તરીકેનો ને બીજો ભાગ એટલે ગાંધી વિચારક તરીકેનો. 90ના દાયકામાં સગીર લક્ષ્મણની ગુનાખોરીની દુનિયામાં અજાણતા જ એન્ટ્રી થાય છે. મહિલાની છેડતી કરતા ટપોરીને રોકવા જતા લક્ષ્મણ પર હુમલો થાય છે ને પછી શરૂ થાય છે ગુસ્સાથી ગુનાખોરીની સફર. तो वो महिला बोले आपके माँ बहन को कोई छेड़ता या ऐसे बोलता आप भी ऐसे देखते रहते थे. तो मुझे कहीं तो फील हुआ तो मैं उस आदमी को बोला भाई साहब काय को ऐसा कर रही जान दो ना. तो उस व्यक्ति ने मुझे ही गाली विली देने लग गया, मुझे ही धक्का दिया. तो 16 साल की उम्र थी, जोश ज़्यादा था, क्रोध ज़्यादा था, है ना, होश कम था. तो मुझे गुस्सा आया और मैं गया सैलून से लेज़र लेके आया वस्त्र और उस आदमी को कहा इधर देख. जैसे वो मुड़ा वैसे उसके चेहरे पर स्टैपिंग कर दिया, वार कर दिया. दूसरा उसने ऐसा पकड़ने के लिए किया तो इधर पेट पे किया. मैं बोला आप पकड़ा, तो घबरा गया. ત્રણ મહિના જેલમાં સજા કાપીને આવ્યા બાદ હવે લક્ષ્મણને નહોતો પોલીસનો ડર કે નહોતી સમાજની ચિંતા, જેના કારણે ખંડણી હત્યાનો પ્રયાસ કે ગેરકાયદેસર કબજો કરવા જેવા ગુનાઓ દોસ્તો સાથે મળીને તે આચરવા લાગ્યો. તો ઉસકે બાદ મેં મુજે મેં તો કે આના જાના જેલ ખાના જેલ હમારા ઘર કોર્ટ કચેરી સસુરવાડી આપ કાય કા ડર છૂટે કે ફિર મિલેગે છૂટે કે ફિર લૂટે એસા હી ચલતા થા. गुनाह करते गया कई केसेस हुए, कई बार अंदर बाहर हुआ. तो मेरे दोस्त लोग जो थे ना वो लोग राजन गैंग से जुड़ गए थे और मुझे भी बोल रहे थे अरे क्या चाकू को चलाने का ये वो, चल बड़ा काम करते. तो मैं बोला नहीं यार ये ठीक नहीं है. कभी छोटा राजन से मुलाकात नहीं, उनसे तो नहीं हुई, लेकिन उनके शूटर लोग जो भी थे वो सब लोगों को देखा था जेल में रहने के वजह से. अत्तर रोड जेल में ही थे तो सब लोग देखता था ये लोग कैसे जीते क्या. लेकिन मैं जुड़ा नहीं उनसे. मुझे ऑफर आया था हमारे साथ काम कर हमारे साथ, तो मैं बोला नहीं भाई अपन दोस्ती रखेगा ऐसा लंबा से, लेकिन अपन किसके लिए काम नहीं कर. एक बाद एक M19 केस जना माथे दाखल थया हता ए लक्ष्मण नु जीवन पछी महात्मा गांधी ने आत्मकथा ना कारणे बदलाई गयो. वहां पर लक्ष्मण गोरे करके कैदी था जो का ऐसे ही गुनेगार गुनाह करता था, जेल में आता था जाता था. तो वहां पर उसको मोको लगाया था हमारा गवर्नमेंट ने, तो एक साल वहां पर नासिक जेल में ही था. वहाँ पर तो वहाँ पर हमने गांधी की कई किताबें लाइब्रेरी में दी थी, लोग पढ़ते थे तो परीक्षा देते थे तो वो भी अभ्यास करते थे. तो लक्ष्मण गोरे ने वहाँ पर पढ़ने के लिए किसी तो के पास थी किताब पढ़ने के लिए लिया, कुछ काम नहीं था, एक साल के लिए मुको लगाया था तो पढ़ता था. उन्होंने मुंबई सर्वोदय मंडल के TRK सोमैया उन्होंने भेज दी. तो वो पढ़ने के बाद में मुझे ऐसा लगा अरे गांधी जी भी तो बचपन में भूत प्रेत से डरते थे, अंधेरे से डरते थे, वो भी तो एक इंसान थे. लेकिन उन्होंने सत्य का आचरण कर सत्य का आचरण कर कैसे मोहन से महात्मा बने. तो सच्चाई में तो बहुत ताकत होती है, क्योंकि झूठ हमेशा डर के रहता है और सच को किसी का डर नहीं रहता है. तो हम अगर क्राइम करते गलती करते तो हमें डर डर के छुप के रहना पड़ता है पुलिस से लोगों से इधर से, तो ये सही डेयरिंग नहीं है. मैं जब किताब पढ़ी थी तो मैंने कोर्ट में जाके खुद अपने गुनाह कबूल कर लिया, क्या मैंने गुनाह किया, मैं जो भी गलती हुई आगे भविष्य नहीं होगा. जेलमांथी छूट्या बाद आजे पण लक्ष्मण गोले सर्वोदय मंडळनी साथे मळीने गांधी विचारनो फैलावो करी रह्या छे ने तेना जीवनमांथी प्रेरणा लईने 13 કેદીઓએ પણ જજની સામે ગુનો સ્વીકારીને નવા જીવનની શરૂઆત કરી છે. કમલ પરમાર, દિવ્ય ભાસ્કર, અમદાવાદ. शेयर एंड डाउनलोड करो दिव्य भास्कर ऐप.